बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शिफा दुरूशी जरूर पढ़ लिया कर, इस तरह खानों में घर में बरकत होती है। आज मैं बोनलेस चिकन है का बोनलेस चिकन और पालक बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने दो मीडियम प्याज लिए हैं, एक फुल गार्लिक लिया है और चार ग्रीन चिली ली हैं। ऑयल जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किया। और या घी जो कुछ भी बटर आप इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दो मीडियम टमाटर भी मैं ले रही हूँ, और नमक और बसार जो है, जो मिर्च है, वो अपनी मर्ज़ी के जो टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नमक और मिर्च जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें, मैंने नमक मिर्च और टमाटर ऐड कर दिए हैं। और मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया, ये अपने टमाटर के पानी में इंशाल्लाह ताला गल जाएगा, और बाकी जो रह जाएगा वो मीट ऐड करूंगी इसमें, तो उसके साथ गल जाएगा। अब मैं लिड लगा कर 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, और टाइम टू टाइम इसे देखती रहूँगी ताकि साथ ना चिपक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसमें अब मीट ऐड कर लिया है, 10 मिनट हो गए थे, और टाइम टू टाइम मैं इसे देखती रही हूँ। अब मैं दबा बिल्कुल लो किया, अब मैं थोड़ी सी फ्लेम मीडियम रखूंगी और लिड लगा कर रख दूंगी। इससे 2 मिनट बाद मैं इसकी फ्लेम फिर से मैं इसके लो कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने चिकन को भून के इसमें पालक ऐड कर दिया। मैंने 1 किलो पालक में दो बंच ऐड किए हैं। पालक अच्छी तरह धो के फिर काटा, फिर 2-3 बार मैंने धोया इससे ताकि इसमें मट्टी ना रहे। अब मैं इसकी फ्लेम लो करके, तो इससे मैं लिड लगा के 10 मिनट के लिए रख रही हूँ, क्योंकि पालक जो है वो सॉफ्ट होती है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगती गलने में, और टाइम टू टाइम इसे देखती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पालक चिकन और मस्त रेडी हो चुका है। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला भी ऐड किया, और गैस मैंने ऑफ कर दिया। पालक चिकन जब भी आप बनाएं तो प्लीज से बिल्कुल ड्राई ना करें, क्योंकि ये खुद ब खुद ही ड्राई हो जाती है। जब आप बंद करके रखेंगे ना, गैस को ऑफ कर देंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे तो ये जो सालन है इसका पेस्ट है ना, वो खुद ब खुद ड्राई हो जाती है, ग्रेवी है जो इसकी। प्लीज़ मेरी रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और टिकटॉक को भी फॉलो करें, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।